हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम पुणे। माय सेल्फ ज्योति सपकाळे और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। मैं आज आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आई हूँ, सो आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन से हैं, उसमें टाइप्स क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ देम, और वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से वैल्यू पर हम उनको हमारे सर्किट में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जब भी हमें कोई सर्किट माउंट करना होता है तो हमें बहुत सारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और वो भी बहुत अलग अलग से टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट रहता है वहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई छोटा सा सर्किट हो तो पहले हमें पावर सप्लाई लगता है, उसके बाद में उसमें कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, डायोड है, ये ट्रांसफार्मर है, ये इस तरह के कंपोनेंट्स हमको उन सभी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में दो टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, एक रहते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स और दूसरा होता है पैसिव कंपोनेंट। तो फिर फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये बता रही हूँ, उनके नामों में ही सब कुछ लिखा है। एक्टिव कंपोनेंट मतलब क्या कि जो दूसरों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जब भी आपको कौन सा सर्किट शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तो आपको क्या लगेगा, पावर सप्लाई लगेगा। तो ये जो एनर्जी है वो जो प्रोवाइड करते हैं उन कंपोनेंट्स को हम बोल सकते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। एंड पैसिव कंपोनेंट्स कौन से रहते हैं, फिर ऐसे पैसिव कंपोनेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो सिर्फ ये एनर्जी या पावर सोर्स जो है वो सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, दे रिसीव दिस एनर्जी इन द फॉर्म, फिर वो उसको डिसिपेट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं या फिर स्टोर भी कर सकते हैं। वो उन पर डिपेंड करता है जो भी मटेरियल हम उनमें यूज कर रहे हैं या फिर वो जो भी उसका टाइप है उस पर वो डिपेंड करता है। फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं अभी फिगर में स्लाइड पर हम देख रहे हैं कि एक सर्किट है जहाँ पर मैंने लिखा है कि एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। मैंने जैसे कि आपको बताया है एक्टिव एलिमेंट क्या होता है कि जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि वो फिर वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर करंट सोर्स हो सकता है कि नहीं। और फिर जो पैसिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट क्या करेंगे, सिर्फ वो एनर्जी रिसीव करेंगे या फिर सर्किट को वो कंडक्ट करेंगे, कि जो भी सर्किट का काम होगा वो कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ स्लाइड पर कि एक्टिव एलिमेंट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि वो बैटरी है, और पैसिव एलिमेंट जैसे कि बल्ब है वो सिर्फ वो एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी एक्टिव एलिमेंट, जब भी सर्किट हमें स्टार्ट करना होगा तो क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और पैसिव एलिमेंट्स वो रिसीव करेंगे, इससे जो बल्ब है वो ग्लो करेंगे, फिर इसी तरह से हमारा सर्किट भी कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं और पैसिव एलिमेंट्स कौन से हैं। जैसे कि मैंने बताया एक्टिव एलिमेंट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अभी पैसिव एलिमेंट जो है वो एनर्जी रिसीव करेंगे। तो फिर पैसिव एलिमेंट्स में हमारा पहला कंपोनेंट आता है वो है रेजिस्टर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस क्या रहता है। रेजिस्टेंस एक ऐसी कैपेसिटी है जो करंट को लिमिट करता है, और ये जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी जिस कंपोनेंट में रहती है उसे हम रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका क्या पर्पज है कि वो वोल्टेज और करंट को लिमिट करता है। जैसे भी उसकी स्पेसिफाइड वैल्यू होगी उसी तरह से उसी पर वो लिमिट करेगा करंट या वोल्टेज को। फ्रेंड्स इसी तरह से आपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स प्लीज शेयर करना ना भूलिए।